तो आज मैंने किया है देसी जुगाड़, बाजरी का रोटला बाहर सूल्हे पे, और ये की है मैंगो की गोठड़ी, उसका बना रहे हैं मुखवास। ये आग अच्छे से जल गई है, अभी देखते हैं कैसे बनता है यहाँ पे रोटला। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है गुंदा, गुंदा की सब्जी, इसको भरा है मसाला अंदर से, और बिकॉज इंडिया के जैसे यहाँ पे खट्टी छाछ नहीं होती मेरे पास, तो मैंने ये ऐसे इसका जो अंदर से छिकास है उसको निकालने के लिए यूज़ किया है लेमन, और देखते हैं अभी कैसा बनता है गुंदा की सब्जी, कैसी बनती है। अच्छे फ्रेश गुंदा था तो ले आई हूँ मैं, बहुत सारे ले आई हूँ, अभी देखते हैं इसका टेस्ट कैसे बनता है, आपको जरूर बताएंगे आगे। हेलो आशा, हाउ आर यू? वेरी गुड आफ्टरनून। अभी यहाँ पे हो रही है कुकिंग की तैयारी, मैंने रखे हुए हैं चिक्स बॉईल करने, और यहाँ पे बना रही हूँ मैं टिंडोरा की सब्जी, काट के रख लिया है, सारा खाना रेडी कर लिया है, साथ में लेके जाने का हमारी हो रही है जाने की, घूमने जाने की तैयारियां, तो ये सब पैक करके रख लिया है, खाना इसमें भर के रख लिया है, और टॉयलेट रोल इनकेस अगर वहां पर नहीं हुआ तो किचन टॉवल टॉयलेट रोल ये भी मैंने साथ में भर के रख लिया है, ऑयल है, हम साथ में लेके जा रहे हैं हमारी बिल्ली को भी, तो बच्चों के लिए वीकेंड आउटिंग, और ये हमारी शायद लास्ट साल की, शायद ये लास्ट वाली हो क्योंकि इस साल हमने बहुत हॉलीडेज कर ली है। नो अलसी, यू डोंट वांट टू फॉलो मम्मी, नो। बाहर वेदर बहुत अच्छा है, आज धूप निकली है और इट्स रियली रियली नाइस वेदर, अभी फाइनली समर आ गया है, तो हम लोग घूमने चले हैं, बुकिंग किया है विजय ने, तो रुकेंगे उधर ही और आपको वीडियो में दिखाते चलेंगे कैसे हो रहा है हमारा प्लान। तो अभी तो फिलहाल कुकिंग की तैयारियां, टिंडोरा तो मैं बना रही हूँ इसका संभारा, साथ में ग्रीन चिली भी काट के रख ली है टिंडोरा का संभारा, और ये चिक पीस की करी और रोटियां पकाऊंगी, ये साथ में लेके जाऊंगी खाना, तीन चार पांच दिन बाहर रुकते हैं ना तो फिर घर का खाना चाहिए हमें, उधर मुझे किचन मिलेगा, मैं उधर भी कुकिंग कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इतना सारा पैकिंग किया है साथ में, और वहाँ पे है स्विमिंग पूल और बहुत ही अच्छा, नहाने की चीज़ें भी पैक करके रखी है, बैगे पैक कर ली है ऑलरेडी, अभी का फुटबॉल ले लिया है, क्योंकि फिर क्या होता है बच्चों का अगर एक भी चीज़ वहाँ पर मिस हो जाए ना तो वो मुझे वापस ख़रीदनी पड़ती है, और फिर उधर बहुत महंगा जो भी प्राइस है वो पे करना पड़ेगा, और मैंने साथ में कपड़े धो रखे तो ये सूख गए अभी लॉन्ड्री, और ये चल रही है हमारी घूमने जाने की तैयारियां, और आज है और है तो मैं गार्डन से ये चीजें अभी थोड़ी देर रहने देती हूँ धूप में, हमें जाना है आज इवनिंग में, थोड़ी देर इधर सूखने देती हूँ, अच्छी धूप निकली है तो ये पेरा पूरा ब्लैंकेट, मैं एक दो हफ्तों में ब्लैंकेट मेरा पूरा धो देती हूँ और दूसरा बिछा देती हूँ, तो बच्चों के साथ अच्छा लगता है मुझे कमरा साफ रखना, और स्पेशली बेड अगर साफ सुथरा है तो अच्छा लगता है सोने में, फ्रेश लगता है, और बिकॉज अभी हमारे पास पेट भी है इसलिए ज़्यादा साफ सफाई रखनी पड़ रही है, तो अभी बच्चे गए हैं स्कूल,
और आज है फ्राइडे। हमने लोड कर ली है गाड़ी सारा सामान लेके। अब भाई चलो कैसी निकाल बच्चा, आज हमारे साथ जा रही है आलसा भी, फर्स्ट टाइम बैठ गई है इधर केज में। एक और हॉलीडे हम लोग चले हैं अभी। हेलो अबय, हाउ आर यू? गुड गुड, फील्स गुड। एंड हमारे साथ है आलसा। हाय आलसा। हेलन थिंक हमने साथ में नहीं लिया। ये आलसा को लग रहा है अजीब सा, उसको लग रहा है हम कहाँ पे जा रहे हैं पता नहीं। हेलन हाउ इज योर एक्साइटमेंट? गुड। तो हम सब निकल लिए हैं अभी, सब कुछ पैक करके। ये एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लिया है लॉन्ग जर्नी के लिए, अगर किसी को सोना हुआ तो एक्स्ट्रा पिलोज ब्लैंकेट है ना भाई। अभी अभी सोने ही लगा है, अभी थोड़ा सा ही ट्रैवलिंग में सो जाता है जैसे घर से निकलते हैं। और ट्रैवल सिकनेस टेबलेट मैं ले लेती हूँ तभी मुझे मज़ा आता है ट्रैवलिंग में, वरना मैं इतनी इन्जॉय नहीं करती लॉन्ग ड्राइव। अगर आज सब खुश है और सब पैक करके निकले हम, अभी टाइम हुआ है इवनिंग के 7 o'clock। तो ये हमारा सेकंड हॉलीडे, शुरुआत ही हुई है अभी समर की। हेलन देख रही है फोन। हेलन हाँ, क्या बोलना चाहोगी हेलन? और हेलन कुछ नहीं बोलेगी, वो ऐसे सिर्फ देखेगी बस। पुलिस लोग, समन्स रेस्क्यू पुलिस। पुलिस की गाड़ी खराब हो गई है और रेस्क्यू करके जा रहे हैं उसको टोल करके। नो आई वो कुछ ना बताओ। लुक देयर इज अ पुलिस कार। या आई नो बट एक्चुअली व्हाई इज इट होल्डिंग द पुलिस कार? और विजय चला रहे हैं अभी गाड़ी। हम व्हाई इज इट होल्डिंग द पुलिस कार? दे पुलिस कार मे बी नॉट वर्किंग। विजय साइड काट रहे हैं। मैं अभी मोटरवे पे नहीं चला रही हूँ, मैं चला सकती हूँ अगर ट्राई करूँ तो, है ना विजय? I'm just being lazy। जब विजय ड्राइव करते मैं आराम से बैठ जाती हूँ अभी के साथ। आज तो मेरे पास दो बच्चे हैं, आलसा भी इधर ही है। She's now relaxed. She knows everyone's with me. जो एरिया हम जा रहे हैं वो एरिया कौन सा है विजय? नॉरिच एरिया? नो, सुफोक एरिया। सुफोक एल्विडन, एल्विडन फॉरेस्ट। एल्विडन फॉरेस्ट जो है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और हमारी केट को मज़ा नहीं आ रहा है, गाड़ी चल रही है ना, एनिमल के कान जो है हमसे ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती है उन लोगों को, स्पेशली बिल्ली को ज़्यादा सुनाई दे रही है। ये हम देख रहे हैं अभी, वो जैसे म्याओ म्याओ कर रही है बात बात पे। अब सो गया है, हेलन भी सो गई है घर से। दोनों बहन भाई को फ्रेश रोटी और खाना खिला के निकले थे। हाँ, आलसा म्याओ म्याओ कर रही है क्योंकि आलसा को नहीं मज़ा आ रहा है ट्रैवलिंग में इतना। सारी खेरवन हॉलीडे की है, लास्ट ईयर हमने 3 खेरवन पार्क किए हॉलीडे। रामदेव भाई भी हमारे साथ आया था लास्ट ईयर, हम देवन गए थे और बहुत सारी खेरवन पार्क जाके आए। देवन भी बहुत अच्छा लगा था, है ना विजय? और हम देवन रात को 9:30 बजे पहुंचे थे, शायद फ्राइडे ही था। और स्विमिंग वहाँ पे खेरवन पार्क में होता है, वो भी बच्चे इंजॉय करते, हम सब भी बहुत इंजॉय करते, मैं और विजय भी। और अभी हम जो जा रहे हैं वो विजय ने बुक किया है सेंटर पार्क। और ये हमारा प्लान काफ़ी टाइम से था,
हम दुबई जब गए, हम दुबई और इंडिया तब भी हमने तय कर रखा था कि हम इधर जाएंगे, तो पूरा पैक करके साथ में बिल्ली को भी लेके बच्चों को लेके हम लोग जा रहे हैं अभी सेंट्रल पार्क। और नाम क्या है विजय जगह का? एल्विंडन फॉरेस्ट। अभी उधर जाके दिखाएंगे और वीडियो बनाते चलेंगे। हम लोग अभी इधर प्लान करके आए हैं रुकने का, और हम आपको वीडियो में हमारे साथ ले चलेंगे हर जगह। अभी अभी सो रहा है, थोड़ी देर सोने देते हैं, क्योंकि हेलन को और डेरी को एसी, विजय को एसी लगानी होती है, इसलिए मैं ब्लैंकेट लेके आती हूँ साथ में। ओह लुक एट द स्प्रिंकलर, सेम एज इंडिया। यहाँ पे खेतों में कुछ लगा हुआ है, ये स्टीम सा दिख रहा है, इतना क्लीन नहीं दिख रहा है। सो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, जैसे ऐसे लग रहा है हम लोग हमारी कंट्री चले गए हो, इंडिया में, है ना विजय? ये वो लगे ना फार्म ने बोले इंडिया जे वो नहीं। और बादल इस तरह से छाए जैसे बारिश आने वाली हो, बहुत अच्छा है देख के। ये वीडियो में इतना कभी नहीं दिखता ट्रैवलिंग का, जब वीडियो बनाते हैं। छुप करके बैठ गई है उसके केज में, तो मैं विंडो नहीं खोलना चाहती, क्योंकि जब आवाज आती है विंडो से तो उसको नहीं अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी तंग पड़ रही है, म्याऊं म्याऊं कर रही है, मगर अब छुप कर गई है थोड़ी देर से। और ये गाड़ी बहुत अच्छी से स्मूथ जाती है, विजय की गाड़ी ऐसे समझ, अगर आप आंख बंद कर लो तो नींद आ जाएगी, क्योंकि बहुत स्मूथ है। यहाँ के रास्ते भी स्मूथ होते हैं, और प्लस ड्राइविंग अगर अच्छी है तो नींद आ ही जाती है। बच्चे दोनों सो जाते हैं, मैं आज नहीं सोई हूँ, मैं देख रही थी वीडियोस। और ये हमारे घर से 1.5 आवर का रास्ता है। डियर तो ऐसे घूम रहे, ये विंडो में आ जाएंगे लोड जो हमने रखा हुआ है अभी। मैंने सुना था कि ये आते है ऐसे लोज में, मगर ये देख लिया छोटा सा अभी क्रॉस किया रास्ता डियर, बीबी डियर, जो हरन हरन बोलते ना, हिरन हिरन, हिंदी में हिरन बोलते। अच्छा पार्किंग तो भैया इधर ही है शायद, ये इधर ही है, हाँ वो पार्क रखी है गाड़ियाँ ऐसे। तो हम लोग आ गए यहाँ पे, एक्वा सोना एंड स्पा, तो कार पार्क इधर ही है। You need number, isn't it? 4511 595 under the name of Visana. Lovely. And have I got to take place in the vehicle? Number plate? It's beautiful. हम लोग आ गए हैं हमारा होटल। लॉज है, बहुत अच्छी है। किचन, डाइनिंग टेबल, किचन और बेडरूम्स। अभी विजय लाइटें जला रहे। दिस इज वन बेडरूम एंड दिस साइड इज सेकंड बेडरूम, दिस इज मास्टर बेडरूम। Yes, they have given the dryer, towels, everything. Huh? They have given towels and dryer. आई आ रूम ना चाह रहे हैं है, बे मोटन बे ना ना बे वाला रूम ना है। छे नहीं एक टू वाला होता ना,
सो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ है। ये देयर इज अ टॉवल एंड ड्रायर हियर। नाइस।